अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई जिस तरह से a(b)c(d)f, यहाँ पर a(b)c(d)≤0 है तो आपको देन शोड है, मतलब आपको शो करना होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये वाकई इसके ऊपर आ रही होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये प्रूफ करने के लिए हमें कहा गया है कि आप के मेथड यूज़ करेंगे, तो के मेथड के मुताबिक आप उसका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट करेंगे। इसका मैथ इसकी टेक्निक इस तरह से है कि हम लेफ्ट जा रहे होंगे a(b)c(d) यानी e(f)k और फिर हम हर टर्म्स को अलग अलग e(k) लिख लेंगे इस तरह से, जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बन जाएगी, ए की वैल्यू बनेगी बी के और सी की वैल्यू बन जाएगी डी के और जो ई है इसकी वैल्यू एफ के आ जाएगी। तो ये जो तीनों ए सी और ई हैं इनकी वैल्यूज है वो इनपुट डाल होंगे इसी स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो इनपुट कर देते हैं बी के और बी वैसे रहने देंगे इक्वल टू, ये फिर ए है तो बी के दोबारा से लिखेगा, लेकिन ये स्केल में है तो स्केल दोनों के ऊपर हम लगा रहे होंगे, ऐसे सी है तो सी की वैल्यू डी के है तो डी के लगाएंगे और स्केल हम दोनों के ऊपर लगा रहे होंगे क्योंकि इसकी तो स्केल मौजूद था, और ई की वैल्यू है वो है एफ के, ये लगाएंगे और स्केल दोनों के ऊपर लगेगा और ओवर जो बी स्केल एफ स्केल वो वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ये है कि यहाँ से के स्केल जो है तीनों में हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बी स्केल डी स्केल एफ स्केल रह जाएगा और ओवर बीस के एफ स्केल वो भी रह जाएगा जो कि हम कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद के स्केल का जो है स्केल रूट रह जाएगा तो स्केल को हम स्केल रूट से कैंसिल कर देंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक की वैल्यू बन जाएगी और यहाँ से हम बी से बी कैंसिल करेंगे तो जैसे के रह रहा होगा जो कि दोनों वैल्यू जो है वो शो कर रहे होंगे। तो इसमें बेसिकली हमें ये प्रूव करना था कि दोनों के जो बैलेंस है वो इक्वल आता है या नहीं आता, तो आता सो हमने वो देखा है कि ये दोनों साइड जो वो इक्वल आ रही होती है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होने थे। बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं वो भी आपने इसी मेथड से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऐसे ही होगा, यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे और एक ही जगह पर वाली बी के और सी की जगह पर डी के और ई हम एफ के वाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करने हैं, तो बिल्कुल इसी मेथड से आपको वो भी दोनों पार्ट्स हैं वो हल करने हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई इसमें कुछ चेंजिंग वाली बात जो है ना वैल्यूज की नहीं, जैसे ए बी ए सी और डी की जो वैल्यू वही हम पुट कर रहे होते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी पार्ट्स करिएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।